शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। युवा जिला प्रमुख विक्रम राठौर, इनकी ओर से 8 लाख रुपयों की खंडनी मांगने वाले व्यक्ति को अजनी पुलिस ने रंगे हाथ धर दबोचा है। आगे की जांच अजनी पुलिस कर रही है। फिरौती के मामले में गिरफ्तार आरोपी का नाम संजोग सुरेश राठौर है। यहां हुड़केश्वर का रहने वाला है। इस मामले का मुख्य आरोपी विक्रम राठौर, जो कि युवा सेना का पदाधिकारी है, फरार है। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता एक फाइनेंसर है, जिसने अपने कर्मचारी को फाइनेंस वसूली के लिए विक्रम राठौर के परिसर में भेजा था, जिसके बाद से विक्रम ने फाइनेंसर को कॉल करके परेशान किया और 10 दिनों से उसके पीछे पड़ा था। वही कुछ कंप्लेंट आया बोले मेरा आपके खिलाफ, ऐसा वैसा कुछ बता रहे थे। वो प्रेस में लेना है, बॉम्बे जाता है कुछ। मैं बोला तुम्हारा लाइसेंस क्या है, पूछे। मैं बता दिया मेरा ऐसा सदा लाइसेंस है चौकारी का। तो वो बोल रहे थे नहीं, वो लाइसेंस नहीं चलेगा इधर, कुछ और चाहिए तो डॉक्यूमेंट, ऐसा वैसा कुछ मांग रहे थे। मैं बाद में बोला नहीं, मेरा चौकारी लाइसेंस है, मैं वो भी वही काम कर रहा हूँ। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, पैसा ही मांग रहे थे। कब से कॉल है स्टार्ट हुआ? 23 तारीख, 25 तारीख को मेडिकल स्कोर भी बुलाए थे। पहले 23 को 24 का तो पैसा नहीं मांग रहा मुझसे, खाली बात हो रही थी। आप आगे मेरे से एक बार फाइनल कर लो बात। और 25 तारीख को मेडिकल स्क्वायर गए, मेडिकल स्क्वायर ने बुलाए, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ कराए। उसके बाद में 15 लाख की मामला ही खत्म करते, ऐसा वैसा बताया। 15 लाख मांग रहा था, मैं बोला था कहीं कि 15 लाख किस चीज़ के 15 लाख दिए, ऐसा बोला। तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ऐसा वैसा बोल दिया। और तंगी कर रहा था, उसका रिकॉर्डिंग लेना था, इसलिए मैं 1 लाख देता, 2 लाख देता, ऐसा वैसा करके बहाने करा। फिर रिकॉर्डिंग ले ली और डेडलाइन दे रहा था, इसलिए मजबूरी मेरे को यहाँ तक आना। विक्रम अपने राजनीतिक पद का फायदा उठाते हुए फाइनेंसर को फोन कर उसका लाइसेंस रद्द करने की धमकी दे रहा था। साथ ही विक्रम ने 8 लाख फिरौती की मांग की थी। शनिवार को बैंक बंद होने की वजह से 5 लाख अभी देने और बाकी के बाद में देने की बात तय हुई। विक्रम ने अपने भाई संजोग को फिरौती की रकम के लिए भेजा, लेकिन उसे क्या पता था कि पुलिस जाल बिछाए बैठी है। शिकायतकर्ता ने पहले ही अजनी पुलिस स्टेशन में विक्रम राठौर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी थी और सारा मामला पुलिस को बताया था। पुलिस जाल बिछाकर विक्रम का इंतजार कर रही थी, लेकिन विक्रम की जगह उसका भाई संजोग राठौर फिरौती की रकम के लिए आया और पुलिस ने उसे धर दबोचा। आज पॉलिटिशियन लाइक व्यापारी तकरार देने साठी आले, त्यांनी सांगितले की माझा फायनान्स कंपनी आहे, लोकांना फायनान्स देत असतो आणि त्यानंतर वसुली करत असतो। त्या वसुलीच्या दरम्यान मला एका राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी 3-3 दिवसापूर्वी मला फोन करून कळवले की तुम्ही यावेळी चौकारी करत आहे, हे चालू देणार नाही, माझी मुंबईपर्यंत पोहोच आहे। त्याला भेटायला मेडिकल चौकात बोलवलं, काल मेडिकल चौकात त्याची भेट झाली। त्याला सांगितलं तुला हे प्रकरण मिटवायचं असेल तर 15 लाख रुपये लागतील। त्यावरून ह्याने सांगितले बाबा माझं तर काही लिगली धंदा आहे, मी काही पैसे देऊ शकत नाही। त्यांनी सांगितले की तुला पैसे द्यावेच लागतील, नाही दिल्यास तुला आम्ही प्रेस कंट्रोल घेऊ, तुला हे करू। मग त्याच्यानंतर पुन्हा त्यांच्यामध्ये फोनवर बोलणं चालू होतं, फोनवर बोलून आज पुन्हा फोन आला की आज संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत मला पैसे लागतील, नाही दिले तर मी प्रेस कंट्रोल घेणार आहे। त्यामध्ये 8 लाखामध्ये ठरलं, त्यामुळे ह्याला काही पैसे द्यायचे नव्हते म्हणून त्यांनी सरळ ते मेडिकल चौक तिथून पोलिटिशनला आले। रिपोर्ट घेत असतानाच पुन्हा त्याचा फोन आला, त्या फोनमध्ये पुन्हा त्याला सांगितलं की 5 वाजेपर्यंत मेडिकल चौकात पैसे घेऊन ये। त्यामुळे आम्ही ठरवलं की रिपोर्ट त्या रिपोर्टमध्येच कंटिन्यू आम्ही मेडिकल चौकात गेलो फिर्यादीसोबत। काही साध्या वेशातले पोलीस ठेवले आम्ही, ते मेडिकल चौकात आल्यानंतर तिथून सांगण्यात आलं की तुम्ही शांतिनिकेतन शाळेजवळ या, तिथं माझा माणूस येऊन पैसे घेऊन जाईल। शांतिनिकेतन शाळेतून ते फिर्यादीने आमच्या पोलिसांनी आम्ही मागे थांबलो, तिथे आला, तिथे एक जण आला, त्याला तू पैशाची बॅग घेण्यासाठी आला असता आम्ही त्याला ताब्यात घेतलेली आहे, पोलिटिशनला आणलं। पोलिटिशनला आणल्यानंतर इतर खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी आहे आणि त्याचा भाऊ। PI संतोष खानेकर के नेतृत्व में उनकी टीम ने इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है।
कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ एनबीसीएन से अभिषेक पांसे के साथ दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट।